में है। प्रधानमंत्री मोदी जी का मैं अभिनंदन करता हूँ इस शानदार विजय के लिए, और उन्होंने 5 वर्ष में 2014 से लेकर 2019 के बीच इस देश को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए जो शानदार कार्य किया है, खासतौर पर वैश्विक मंच पर भारत को सम्मान देने का हो या फिर देश के अंदर किसी भी अन्य क्षेत्र में, आप देखेंगे देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के मोर्चे पर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर के या फिर कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के समाज के प्रत्येक तबके को देने का जो कार्य, ऐतिहासिक कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ, उसका परिणाम है कि जन को एक तरीके से खारिज किया। तो योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, लोग कह रहे थे उत्तर प्रदेश में क्या योगी के लिए काम पर वोट पड़ेगा, क्या मोदी के नाम पर वोट पड़ेगा, और जिस तरह से वोटिंग हुई है, जितनी उम्मीद और अटकलें बार बार लगाई जा रही थी कि बीजेपी को लॉस होगा उत्तर प्रदेश में, वैसा कुछ देखने को नहीं मिला। अजय कुमार जी आगे एलजेपी से। और उत्तर प्रदेश में अदिति ये जो थोड़ा बहुत नुकसान हुआ भी है, वैसे तो ये कहा जा रहा था कि बहुत ज्यादा नुकसान होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में वो नुकसान नहीं हुआ। और हिंदी हार्टलैंड की बात करें तो वहां भी अब बीजेपी जो भगवा रंग है वो पूरी तरह से छाया हुआ है, और किस तरह से ये देखिए मैप के जरिए हम दिखा रहे हैं किस तरह से कांग्रेस मुक्त होता जा रहा है भारत, चाहे वो गुजरात हो, राजस्थान हो, उत्तराखंड हो, हिमाचल प्रदेश शो, बिहार हो, ये सारे वो राज्य हैं जहां पर अब कांग्रेस की जो मौजूदगी है वो अब खत्म हो गई है इन चुनावों के बाद। ये देखिए, ये शुरुआत जम्मू कश्मीर से लेकर आप नीचे तक चलेंगे, साइड में जाते हैं, चाहे वो राजस्थान हो, बिहार, उड़ीसा, अब ये जो पूर्वी हम भारत की बात कर रहे हैं, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल जो लगातार जहां पर फोकस बनाया हुआ था बीजेपी ने, यहां भी किले में सेंधमारी करने में बीजेपी पूरी तरह से कामयाब हो गई है, और उसी का नतीजा है आप देख रहे हैं इस मैप पर, अब पूरी तरह से भगवा रंग छाया हुआ है और कांग्रेस मुक्त हो चुका है भारत। ये प्रेजेंस देखिए आप, ये वो तमाम राज्य जहां पर आप कांग्रेस की मौजूदगी जो है, जिसका अस्तित्व है, वो अब खत्म हो चुका है और भगवा रंग जो है वो लहराता हुआ। एक छोटा सा ब्रेक हम दे रहे हैं, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।